हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर सबको बाहर का रेस्टोरेंट और ढाबा का खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पर पॉसिबल नहीं होता कि हम डेली बाहर जाकर खा पाएँ, टाइम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए, ये मटर मसाला ना अगर आप एक बार बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे खड़े गर्म मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के और 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। और ये गर्म मसाले नॉर्मली सबके किचन में है, पर जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये गर्म मसाले बहुत सारी सब्जियों में यूज होते हैं, पुलाव में यूज होते हैं, तो आप इनका यूज जरूर करें क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हैं आपकी सब्जी को। तो इन्हें हम 1 मिनट भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर ये 2 बड़े साइज के प्याज और 2 हरी मिर्ची को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। प्याज को आपको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि बिल्कुल अच्छे से ऑयल ना रिलीज करने लगे या बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। आप सब्जी में जितना अच्छा उसका मसाला पकाएंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो ध्यान रखें, इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। और जब तक ये प्याज पक रही है तब तक हम साइड में रख देंगे मटर बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक पैन में पानी रख दिया है, उसके बाद उसमें डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच नमक और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 300 ग्राम मटर, आप देख सकते हैं। और इसे हम ढककर बॉयल कर लेंगे। तो इधर देखिए, अभी प्याज ने कलर चेंज नहीं किया है, पर देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रिलीज करने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की ग्रेट की हुई और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करके भी अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो आप इसे एकदम लास्ट में ऐड करें, जब प्याज आपकी पूरी तरीके से पक चुकी हो। हम यहाँ पर ग्रेट करके यूज़ कर रहे हैं तो हमने पहले ही इसे ऐड कर दिया है जिससे कि ये भी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल अच्छे से पक गई है, इसने बिल्कुल कलर छोड़ दिया है और ये कितने अच्छे से ऑयल रिलीज करने लगी है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो यहाँ पर मैं इतनी प्याज को भूनते हुए मुझे 8 से 10 मिनट लग गए थे, मैंने इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भुना है। तो देखिए प्याज अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था इसे, और इसे ऐड करके इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक, मिक्स कर लेंगे ये देखिए। और इसे अब हम पका लेंगे। और इधर साइड में देखिए, हमारी मटर भी अब पक चुकी है, तो इसे अब हम छान के रख देंगे अब अलग। और टमाटर को हम बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। तो टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए हम टमाटर को कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये देखिए 3 मिनट बाद मैंने इसे खोला, बीच में मैंने इसे खोलकर एक बार और चलाया था। तो ये देखिए 3 मिनट बाद टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज करने लगे हैं साइड से। तो अब हम इनमें मसाले डाल देंगे और मसाले डालकर भी हम इन्हें अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 छोटा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और अगर आप नॉर्मल वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा कम करें क्योंकि वो तीखी होती है। और उसके बाद 1/2 छोटा चम्मच मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, और इन सबको मिक्स करके हम इन सबको अच्छे से, मसालों को अच्छे से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, देखिए साइड से कैसे ऑयल रिलीज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घर का जो दूध होता है उसकी मलाई, आप चाहें तो आप इसमें क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डालकर इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे, ये देखिए मिक्स कर देंगे और इसे बिल्कुल घी रिलीज होने तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई ने भी अच्छे से घी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी, और पानी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए चावल के साथ खाना है तो आप इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बना रही हूँ क्योंकि मुझे पराठे के साथ खानी है। और अब हम इसे ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए 4 मिनट बाद मैंने खोला है, तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितने अच्छे से पक गई है, कितने अच्छे से
से ऑयल रिलीज कर दिया है और आप सब्जी का कलर देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे जो मटर हमने बॉईल करके रखी है उसे, और मटर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी क्रश करके, ये देखिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला, और उसके बाद इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्ची, ये देखिए इस तरीके से स्लिट की हुई। मिक्स कर देंगे इसे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर देंगे। ग्रेवी को हमने अच्छे से पका लिया है, तो अब यहाँ पर मटर भी उबली हुई है, इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे जिससे कि मसाले और मटर सब अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए 3 मिनट बाद मैंने इसे खोला और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर, सब्जी ने कैसे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार। और हाँ, नमक डालना मैं इसमें भूल गई थी, तो यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक। नमक मैंने इसमें यूज़ किया था जब टमाटर को पका रही थी तब थोड़ा नमक यूज़ किया था, उसके पहले जब मटर को बॉईल कर रही थी तब, पर फाइनल जब मैंने पूरी सब्जी बनाई तब नमक का यूज़ नहीं किया था, तो इसीलिए अब मैंने नमक डाल दिया है। आप जब मटर वगैरह आपने डाला तब उसी समय आप नमक भी डाल दें। और उसके बाद देखिए लास्ट में इसमें डाल दूंगी बारीक कटे धनिया पत्ते, और बिल्कुल टेस्टी सी मटर मसाला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं सब्जी की ग्रेवी, और यकीन मानिए सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये देखिए बिल्कुल टेस्टी सी ढाबा स्टाइल मटर मसाला बनकर तैयार है, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे पराठा, लच्छा पराठा, नान, पूड़ी, राइस किसी के साथ भी खाएंगे, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।